दोस्तों बिग बॉस ऑडिटिंग के घर के अंदर अगर आप मनीषा रानी के फैंस हैं तो ये खबर थोड़ा निराश जरूर कर सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्तों आज मनीषा रानी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सुबह से ही मनीषा रानी काफ़ी लो फील कर रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके चेहरे की जो रंगत है वो हमें दिखाई नहीं दे रही है। और ऐसे में दोस्तों मनीषा रानी यहाँ पर अपने दोस्त एल्विस से मदद मांग रही है। दरअसल दोस्तों एल्विस जो है वो फुकरा इंसान के साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे और इस दौरान जिया शंकर भी उन दोनों के साथ मस्ती कर रही थी। और दूसरी ओर जो मनीषा रानी है वो किचन एरिया में ऑरेंज का जूस बना रही थी, लेकिन मनीषा रानी के अंदर अभी इस समय इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऑरेंज को ठीक तरीके से पूरा निचोड़ सके। और यही वजह है कि उसने एल्विस से कहा कि आ जाइए ना, हमारी हेल्प कर दीजिए, हमसे जूस नहीं बन रहा है, पूरा निचोड़ा नहीं जा रहा है इसको। जिसके बाद दोस्तों एल्विस ने कहा कि चलो ठीक है, हम आते हैं। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद जब एल्विस नहीं गए तो फिर मनीषा रानी खुद आ गई और यहाँ पर एल्विस को अपने साथ लेकर गई, जिसके बाद एल्विस ने कहा कि चलो ठीक है, मैं बनवा देता हूँ। कुल मिलाकर एल्विस इस समय मनीषा रानी के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती निभा रहे हैं और मनीषा रानी भी इन दिनों एल्विस के साथ काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग शेयर कर रही है। और अच्छी बात तो ये है कि मनीषा ने अब जो पहले की तरह वो किस वगैरह वाला जो फ्लर्टिंग वाला जो अंदाज था उसको वाकई काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि दोस्तों मनीषा रानी की जो फ्लर्टिंग वाला अंदाज था उसके लिए घर वालों ने टोक दिया था, एल्विस के पापा ने भी टोक दिया था और एल्विस ने भी समझाया था, जिसके बाद से कहीं ना कहीं मनीषा रानी में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। और यही वजह है कि इस समय मनीषा रानी हर एक फ्रेंड्स को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रही है। फिलहाल आपका क्या है कहना इस पूरे मुद्दे को लेकर, अपनी राय हमें कमेंट में बताएं। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए ताकि बिग बॉस से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।